You need to dress smart. जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है उसमें क्या दिख रहा है? आपके कपड़े दिख रहे हैं सबसे पहले तो, समझ गए ना? आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बाद में दिखती है। बॉडी लैंग्वेज तो तब दिखेगी जब आप चलना शुरू करोगे। अगर आपने उस कमरे के अंदर एंट्री मारी है, कोई जॉब इंटरव्यू के लिए आपने कमरा खोला और घुसे, एकदम से दिखाना कुछ, तो जो दिखा ऊपर से नीचे तक जैसे उन्होंने आपको देखा, तो कहीं ना कहीं तो माइंड में एक इमेज बन गई ना। सर नाइस जैकेट मेरी, थैंक यू। इट शुड बी प्रेजेंटेबल। इट मस्ट बी प्रेजेंटेबल। व्हाट डू वी मीन बाय प्रेजेंटेबल? कंफर्टेबल। व्हाट डू यू वेयर? डिपेंड ऑन सिचुएशन। कंफर्टेबल मतलब निक्कर टी-शर्ट में चले जाएं जॉब इंटरव्यू के लिए, इससे ज्यादा कंफर्टेबल क्या होगा? सिचुएशन के हिसाब से ड्रेस करना चाहिए। अभी अगर एक सिचुएशन को पकड़े, जॉब इंटरव्यू, वहां पर आप जा रहे हो, वहां पर अच्छी, ये भी सबको पता है कि फॉर्मल होना चाहिए, बट मैं ये पूछ रहा हूँ कि बढ़िया ड्रेसिंग सेंस का मतलब क्या है। वहां पर 100 लोग आए हैं, सारे फॉर्मल में आए हैं, सबने टाई लगाई हुई है, सबने शर्ट पहनी हुई है, सबने ट्राउजर पहने हुए, सबने फॉर्मल शूज पहने हुए हैं। हाँ, इट शुड नॉट बी टू लूज, इट शुड नॉट बी टू टाइट, वन एक्सेलेंट पॉइंट, और बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं होना चाहिए, मतलब गोविंदा स्टाइल के कपड़े नहीं होने चाहिए, लाल पीले नहीं होने चाहिए, और नीट एंड क्लीन होना चाहिए, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और उसके अलावा आयन होने चाहिए। ये तो बेसिक सी चीजें हो गई। अब मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बता रहा हूँ जो अगर आपको समझ आ जाए तो एकदम सही आपका फर्स्ट इंप्रेशन है वो मान लो 1000 गुना बेटर हो जाएगा एक झटके में। देखो, जो बंदा इंटरव्यू आपका लेने वाला है वो एक अच्छी पोजीशन पे है या वो एक खराब पोजीशन पे है? अच्छी पोजीशन पे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छी पोजीशन मतलब फाइनेंशियली मैं बात कर रहा हूँ कि फाइनेंशियली उसके पास में अच्छा खासा पैसा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अच्छा पैसा होगा तो वो ब्रांडेड कपड़े पहनता होगा या नॉन ब्रांडेड पहनता होगा? ब्रांडेड पहनता होगा। तो अब वो किससे कनेक्ट करेगा जो उसके जैसे होंगे दिखने में या उससे बिल्कुल ही अलग होंगे दिखने में? देखो, और भी चीजें मैटर करती है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आप बढ़िया सी ड्रेस पहन करके चले गए और प्रोग्रामिंग की जॉब के लिए जा रहे हो, आपको बेबी सीट भी नहीं पता प्रोग्रामिंग की और आपको जॉब मिल जाएगी आपके कपड़े देखते ही। दैट इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग। आई एम सेइंग सब लोगों के पास में एक जैसी है, लेकिन ये चीजें ऐड होती जा रही है। मतलब 1+1+1, ये जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं ना, स्माइल और ये आई कॉन्टैक्ट, हैंडशेक, ये सब चीजें ऐड कर रही हैं। तो ये आपके पॉइंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं ओवरऑल। तो अब कपड़े बढ़िया होने का मतलब क्या है? सबने फॉर्मल पहने हुए हैं। देखो, बहुत बड़ा सीक्रेट बताता हूँ आपको, क्या करना है, विंडो शॉपिंग के लिए जाओ, बढ़िया से बढ़िया शॉपिंग मॉल से, खरीदना नहीं है वहां पर जाकर के, जाओ। और वहां पर आपको क्या करना है, सिर्फ ये देखना है कि जो ब्रांडेड कपड़े हैं उनको बारीकी से ऑब्जर्व करना है कि 5000 रुपए की शर्ट कैसी होती है, 10000 रुपए की ट्राउजर कैसी होती है, 12000 रुपए की बेल्ट कैसी होती है, 20000 रुपए के जूते कैसे होते हैं। देखने में टैक्स थोड़ी ना लग रहा है, देखने में पैसे भी नहीं लग रहे हैं। आपने देखा अब वहां पे फोटो वोटो मत खींचना, नहीं तो वो पुलिस बुला करके जेल जाओगे सारे के सारे। देखो, ध्यान से ऑब्जर्व करो कि ये जो कपड़े हैं उनके कलर्स कैसे होते हैं, टेक्सचर क्या होता है। और फिर आपको जब बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये जो ब्रांडेड कपड़े हैं इसमें आपको एक पैटर्न नजर आएगा, आप देखोगे, देखो ये आजकल मार्केट में चल रहा है, तो इसका मतलब जो बंदा आपका इंटरव्यू लेने वाला है उसने ब्रांडेड कपड़े ही पहन रखे होंगे। वो 200 रुपए की शर्ट पहन के तो नहीं बैठा होगा फॉर श्योर। 200 रुपए की आती है आजकल? नहीं आती है वैसे, आती है, आ जाती है। क्या बात है, तो मेरे टाइम में और आज के टाइम में ज़्यादा फर्क नहीं आया है, क्योंकि मुझे याद है मैं पैसे बचाने के लिए, मतलब 50 रुपये बचाने के लिए यहाँ पे दिल्ली में, आपने आपने किसी ने सुने मोहन सिंह पैलेस एक जगह है, सीपी में है, अभी भी है, हाँ, तो मैं वहाँ जाता था बस पकड़ करके। हाँ, वहाँ तो 100 रुपये के भी मिलते हैं अभी। नहीं नहीं, 100 रुपये का क्या मिलेगा, रुमाल, 100 रुपए के शर्ट, टी शर्ट, जीन्स मिल जाती है 100 रुपए की? नहीं मिलती, लेकिन एक तो कपड़ा एक मिल जाता है। yes. अरे ये तो और सस्ता हो गया, मतलब मुझे याद है आज से करीबन 20-22 साल पहले मैं वहां पे जाता था स्पेशली बस पकड़ करके, क्योंकि वहां पे मेरे पैसे बचते थे। पहले मैं ब्रांडेड जीन्स देखता था कि ये 10000 रुपए की जीन्स कैसी है, फिर उसको देख करके वैसी ही जीन्स 200 रुपए में बनवा करके वहां से ले आता था। नहीं नहीं सेम नहीं होगा, अरे आप मरवाओगे यार, बंद करवाओगे सारे शॉपिंग मॉल, हाँ सारे ब्रांड्स बेचारे मर जाएंगे। सेम नहीं होता, मिलता जुलता होता है, बट देख करके कोई नहीं बता सकता, क्योंकि जो आपका इंटरव्यू लेने वाला है वो आकर के छुएगा तो है नहीं आपके कपड़े, नहीं क्या पहन के आई है क्या ये, नहीं जी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बट देख करके आपकी अपीयरेंस से एक आइडिया लग जाता है ड्रेसिंग सेंस आपकी अच्छी है बुरी है। तो आपको देखना है कि अगर टाई लगानी है तो कैसी टाई पहननी है। आप एक चमकीली सी टाई वहां पर पहन करके चले गए हो,
समझिए, बहुत बेसिक सी गलतियां हैं जो लोग करते हैं, वो समझते नहीं है, फिर कहते हैं हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। अजीब से आप बंद करके वहां पर चले गए। मैं ये कह रहा हूं कि जितने की आपने वो टाई ली है, वो चमकीली टाई जो भी, जो सैटिन की है या सिल्क की है, उससे सस्ते में आपको ऐसी टाई मिल सकती है जो देखने में बिल्कुल ब्रांडेड लगे, देखने में 5,000 की लगे, तो आपकी लुक बदल गई। It also build your confidence. It makes you hell lot of confident. मतलब आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है इसकी वजह से। द वे यू ड्रेस, वैसे ही आपका कॉन्फिडेंस निकलने लग जाता है। इफ यू ड्रेस एज पर द ओकेजन, जो ओकेजन है अगर उससे अलग आप ड्रेस करके जाओगे कहीं पर भी, तो आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। समझ गए? किसी डिस्क में जाओगे जहां पर सबने पार्टी वियर पहना हुआ है, वहां पर आप फॉर्मल पहन करके चले गए, जितना मर्जी दिखा लो कॉन्फिडेंट, बार बार आप यही सोचते रहोगे यार मैं क्या बेवकूफ लग रहा हूँ, बेवकूफ लग रहा हूँ, सब मुझे ही देख रहे हैं, सब मुझे ही देख रहे हैं, और आप और कॉन्शियस होते चले जाओगे। ऐसे ही अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और आपको मेरी इतनी सी बात समझ आ गई है कि ब्रांडेड जो कपड़े हैं उसकी विंडो शॉपिंग करो, जूते से लेकर के आपके सॉक्स से लेकर के आपकी जो ट्राउजर है उससे लेकर के बेल्ट से लेकर के उसके अंदर की चीजों को छोड़ दो, वो दिखेगा नहीं, और शर्ट है आपकी, टाई है, अगर स्पेक्स पहन रहे हो तो स्पेक्स है, हेयर स्टाइल है ना। देखो जहां पे आप ब्रांडेड शोरूम्स में जाते हो वहां पर जो फोटोग्राफ्स लगी होती है, वहां पर देखो उन लोगों के कैसे हेयर स्टाइल होते हैं, अगर फॉर्मल है तो ठीक है ना, कैजुअल में अलग होगा। अब कैजुअल के जो हेयर स्टाइल है वो फॉर्मल में मत चिपका देना जा करके, बालों को कलर कराया यू, दैट मैटर्स अ लॉट। और इसका आपको सीक्रेट समझ आ गया ना, क्या करना है, पैसे उतने ही लगेंगे, उतने की ही ट्राउजर होगी, उतने की ही शर्ट होगी, उतने की ही टाई होगी, उतने के ही जूते होंगे, बस जो आप ले रहे हो उससे बिल्कुल अलग होंगे, स्ट्रांग पॉसिबिलिटी। क्योंकि जब आपने कभी देखा ही नहीं कि इस तरह के कपड़े क्या होते हैं तो आपको पता क्या है। समझ गए? जैसे मैंने ये पहना हुआ है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यही देखो मैं अभी पैसे बचाता हूँ, कितना कंज्यूस हूँ। यही मैंने एक शोरूम में देखा था, वहां पर ये था करीब करीब 35,000 रुपए का, नाम नहीं बताऊंगा ब्रांड का, वो थोड़ा मार्केटिंग हो जाएगी। सेम डिट्टो, और ये जो मैंने लिया है वो लिया 2,500 रुपए का सेल। सर बढ़िया हूं जी, बढ़िया का दिमाग और मियां भाई की डेरिंग। यहां तक क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं, ड्रेसिंग सेंस पे भी हम आ गए। ड्रेसिंग सेंस का पूरा हमने डिफाइन कर दिया। शुड वी वेयर डीसेंट एक्सेसरीज? हाँ, शुड वी वेयर डीसेंट एक्सेसरीज, कि मतलब ये नहीं कि हम एक फॉर्मल एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं वहां पर टैटू टूटू बनवा के और फिर पहुंच गए। हाँ, अगर हमारे पास में आ रहे हो, स्टाइलिस्ट की जॉब है उसके लिए आ रहे हो, मेकअप आर्टिस्ट के लिए आ रहे हो, तो टैटूज हो तो अच्छा रहेगा थोड़ा सा। तो डिपेंडिंग अपॉन कि क्या वर्क है उसके अकॉर्डिंग फिर हमको वो देखना होता है। अगर क्रिएटिव काम है तो वहां पे थोड़ा बहुत अगर आपने कुछ कर भी रखा है उल्टा सीधा तो अच्छा है आपके लिए, बट अगर क्रिएटिव नहीं है, कुछ थोड़ा सीरियस है, तो वो कंपनी के कल्चर को समझना पड़ेगा, उस कंपनी का कल्चर क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको वो देखना है, ताकि सामने वाले बंदों को ये लगे कि ये इसमें फिट हो जाएगा या हो जाएगी, है ना। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही अलग एक वो लगेगी। और कोई पॉइंट रह गया है किसी तरह का? रैप अप करें सेशन को। हाइजीन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं बताऊंगा नहीं कौन है, बट हमारी कंपनी में एक बंदा है, मैं उसके साथ ज्यादा देर तक बैठ नहीं सकता, क्योंकि वो बंदा इज ब्रिलियंट, शायद वो जितना भी डियो लगाता है वो कम पड़ जाता है, और शायद माउथ वॉश भी नहीं करता है ढंग से। तो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मतलब आपको क्या करना है, कहीं पर भी जा रहे हो अच्छे से माउथ वॉश करना है, अच्छे से, चाहे च्युइंगम खाओ, ये खाओ, ये सोच लो डेट पे ही जा रहे हो, डोंट थिंक आप इंटरव्यू पे जा रहे हो, वहां पर प्याज खा करके नहीं जाना है, लहसुन प्याज गार्लिक ये वो, बंदे वैसे ही डर जाएंगे सामने जो बंदे बैठे होंगे, क्या है कौन घुस गया अंदर कमरे में, वो क्या सोचेंगे। अगर सपोजिंगली आप इमेजिन करो कि आप इंटरव्यू ले रहे हो किसी का, और एक ऐसे बंदे ने एंट्री मारी जिसके मुंह से स्मेल आ रही है, जिसके इधर उधर हर जगह से स्मेल आ रही है, आप क्या चाहोगे? इसको भगाओ, जल्दी से भगाओ, क्या टैलेंट है, क्या स्किल है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, हटाओ इसको मेरे सामने से। तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मतलब अच्छा डीओ यूज करो। अगेन वो भी याद रखना, फूलों की खुशबू का डीओ नहीं लगाना है, होता है ना वो फूलों की खुशबू वाला परफ्यूम होता है जो लड़कियों को लगाना चाहिए, लड़के लगा लगा करके घूम रहे होते हैं, ये कौन आया है, आई है, समझ नहीं आ रहा है, देखने में तो आया लग रहा है, चलो इसको आया ही बना देते हैं अपने यहाँ पे, चल बेटा टॉयलेट साफ कर। मतलब जाओ किसी अच्छे शॉपिंग मॉल में, वहां पर जा करके देखो जो अच्छे परफ्यूम है उनकी स्मेल कैसी होती है,
एक अच्छा परफ्यूम खरीद लो और माउथ वॉश अच्छे से कर करके लो। फेस आपका क्लीन होना चाहिए। आप कहीं से आए हो, कहीं दूर से आप ट्रैवल करते हुए वहां तक पहुंचे हो इंटरव्यू के लिए या कहीं भी, तो आपको क्या करना है कि वहां पर जा करके थोड़ा सा फेस वॉश कर लो फटाफट से। वेट टिश्यूज होते हैं तो वो रखो, अपने फेस को थोड़ा सा क्लीन करो, हल्का सा सुखा लो ऐसे ऐसे करके, ये करके। कहने का मतलब है कि यू शुड नॉट लुक अनहाइजीनिक, यू मस्ट लुक हाइजीनिक।